हिमाचल प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण मजदूर यूनियन संबंधित सीटों ने राज्य कमेटी के आह्वान पर हमीरपुर के श्रमिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से श्रम एवं उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर को मजदूरों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगा था तब कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत मजदूरों को लॉकडाउन अवधि के लिए 2,000 रुपए आवंटित किए थे, परंतु आज भी जिला में हजारों मजदूर कई कई बार औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उन्हें ये राशि नहीं मिल रही है। इसके लिए हालांकि वे कई बार श्रमिक कल्याण कार्यालयों में चक्कर लगाते रहे हैं, सालों से मजदूरों के लिए स्वीकृत सामान कल्याण बोर्ड दफ्तर के स्टोरों में पड़ा है, परंतु मजदूरों को आवंटित नहीं किया जा रहा है। इसलिए यूनियन द्वारा मांग की जा रही है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए, पर मजदूरों को अधिकारियों के माध्यम से स्वीकृत सामान जल्द से जल्द दिया जाए। कल्याण बोर्ड में कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते मजदूरों के लाभ जैसे छात्रवृत्ति, शादी, प्रसूति सुविधा, पेंशन, मेडिकल आदि के लाभ लंबे समय से नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे मजदूरों में भारी रोष है। इसलिए सरकार से यूनियन मांग करती है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मजदूरों को समय समय पर लाभ मिलता रहे। यूनियन ने बोर्ड से मांग की है कि वॉशिंग मशीन जो सरकार ने बंद कर दी है को भी सभी मजदूरों को दिया जाए। अगर बोर्ड ने मजदूरों की मांगों को तुरंत नहीं निपटाया तो आने वाले समय में आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी कल्याण बोर्ड व सरकार की होगी। आज हिमाचल प्रदेश भवन एवं सड़क निर्माण मजदूरियों ने संबंधित सीटों का राज्य कमेटी के आह्वान पर सभी जो श्रमिक कल्याण अधिकारी हैं उनके दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किए गए हैं और ज्ञापन सौंपे गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि लंबे समय से, खास तौर पर जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है, जो मजदूरों को कल्याण बोर्ड की तरफ से 2,000 रुपया उस समय अवधि की किस्त मिलनी थी, वो पैसे लटके हुए हैं अभी मजदूरों के। इसके साथ साथ डेढ़ दो साल से जो है वो मजदूरों का लाभ जो है, चाहे वो वजीफा है, शादी के फॉर्म है, डेथ का क्लेम है, और पेंशन जो है वो समय पर नहीं मिल रही है। इसके अलावा कम से कम चार पाँच साल हो गए मजदूरों का सामान जो साइकिल्स, इंडक्शन, सोलर लैंप और तमाम तरह का सामान मिलता था उसको सैंक्शन हुए, पर आज तक जो है वो मजदूरों को मिल नहीं रहा है। इससे पहले हम 17 मार्च को मंत्री महोदय से भी मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्द हो अपने अधिकारियों को और बोर्ड के अफसरों को निर्देश देंगे कि जो मजदूरों की लंबित मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी हल करें। मगर हम ये देख रहे हैं कि मंत्री की बातों पर कोई गौर नहीं हो रहा है और जो कल्याण बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं और जो कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसलिए आज हम प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में बात लाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है मजदूरों की मांगों को निपटाया जाए, क्योंकि ये मजदूर बड़े लंबे से परेशान है, उनका जो हक है उनको मिल नहीं रहे, और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश भवन और सड़क निर्माण मजदूर यूनियन बड़ा आंदोलन जो है पूरे प्रदेश के अंदर करेगी, जिसकी जिम्मेवारी जो है सरकार और कल्याण बोर्ड विभाग की होगी।